अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे दोस्त, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरलाइन का नंबर यानी +353 का लेके दिखाऊंगा, उसका जो एड्रेस इशू है सारा कुछ फिक्स करके दिखाऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले बताऊँगा ट्रैवलो वाले वेबसाइट का, अगर किसी ने टूटोरियल देखा हुआ ठीक नहीं तो देख ले, तो अब ट्राई करें। अगर आप लोगों को एक और बन जाए तो आप लोगों के लिए मज़े हैं, अगर नहीं बनता तो उसके लिए बड़ा इशू है। जिन लोगों ने बना लिया है टवीलो का अकाउंट तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, जिन्होंने नहीं बनाया टवीलो का अकाउंट तो बेशक वो ट्राई करना चाहते तो कर लें, अगर छोड़ के जाना चाहते तो बेशक चले जाएं। तो इस वीडियो में आपको यानी एयरलाइन का नंबर लेके दिखाऊँगा। अब बात होती है सारा कुछ एड्रेस पर, एड्रेस जैसे जनरेट करना है, कैसे लगाना है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अब यहाँ से ऑप्शन मिलता है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है। नीचे आपको एक मतलब लेबोरेटरी जो भी एक एम्बुलेंस कोई भी है इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे आपको एक मतलब ऑप्शन एड्रेस, अब एड्रेस पर क्लिक करेंगे, यूं ही एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अपना अकाउंट आपको जब लॉगिन हो तभी ये करना है। ऊपर एक ऑप्शन आता है क्रिएट एन एड्रेस, अब फाइनल फर्स्ट नेम कोई डाल दें, दूसरा नाम कोई डाल दें, एड्रेस वन मैं जो दूँ, सिटी जो मैं दूँ, स्टेट जो मैं दूँ, पोस्टल कोड मैं दूँ, जो कंट्री मैं दूँ, वो आपने लगानी है। तो आप देख लें मैं क्या क्या लगाता हूँ। तो दोस्तों अब जो एड्रेस है आप मुकम्मल ही देख लें, ठीक है ना, ये देख लें किधर जो भी स्ट्रीट जो ही एरिया कोड है वो सारा कुछ देख लें। उसके बाद आपने क्या करना, क्रिएट पे क्लिक करना है, आपका जो एड्रेस होगा तो क्रिएट हो जाएगा। अगर क्रिएट नहीं भी हो पा रहा तो भाई आपने क्या करना, यूज़ सजेस्टेड एड्रेस इस पर क्लिक कर दें। पहले तो क्रिएट हो ही जाएगा क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इंसान है तो मुझे से भी शायद थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो कोई मसला नहीं। आपने यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करने के बाद बाया नंबर पर क्लिक करना है। बाया नंबर पर क्लिक करेंगे जो, तो शॉर्ट सी वीडियो है भाई टवीलो के ऊपर है। तो अब यहाँ से हम सर्च करते हैं, इसमें आपने क्या मतलब आपने सर्च करना है ये आपको जो चीज़ मेन डिपेंडेंट करती है वो, या आपने यहाँ पे लिखना क्या है भाई, मतलब अब एरिया कोड के बगैर आप कोई भी नंबर ऐसे परचेज करेंगे ना। मैं यहाँ से आप क्या पहले एयरलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, सॉरी वो भी जा यार, तो यहाँ से हमने एयरलाइन ये राइस पे सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे एयरलाइन हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो है ना एड्रेस वर्क नहीं करेगा, तो आपको मैं यहाँ पे शो करा दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने क्लिक करना है और कोई भी नंबर यहाँ से चेक कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप चेक करते हैं जो एड्रेस है वो हमारे पास वर्क नहीं करेगा, मे बी वर्क कर भी जाए तो कोई नंबर चेक करते हैं, हम चेक ले थोड़ी रहे हैं। तो यहाँ पे देखें एड्रेस हमारा शो नहीं हो रहा, तो भाई इसका क्या सोल्यूशन है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना भाई। वीडियो को स्किप नहीं करनी आप लोगों ने। तो यहाँ पे आपने लिखना है 12 और फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर, और यहाँ से सर्च पे बटन बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे 12 लिखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, हमने यहाँ से कोई भी नंबर लोकली कॉपी करते हैं। यहाँ से आप चेकआउट कर लें, आपको कोई पसंद है तो अपनी मर्ज़ी का नंबर लें, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से सिंपली ये वाला नंबर को कॉपी करता हूँ, सॉरी कोई और देख लेते हैं, तो कोई भी नंबर आपको जो अच्छा लगे मैं नीचे वाला कॉपी करता हूँ और उसको टेस्ट करता हूँ व्हाट्सएप बिजनेस पे, क्योंकि ये वर्क करेगा तो व्हाट्सएप बिजनेस पे ही करेगा, मैसेंजर पे आपसे वर्क करने वाला है नहीं, ये मेरे से आप सुन लें पहले ही, ये देख लें, ठीक है ना। तो जैसे हम इधर पे लगाएंगे तो देखिए पूरा नंबर ही नहीं आ रहा, तो मतलब ये वर्क भी नहीं करने वाला, देखें ठीक है ना। अगर हम एक कोटा दे एक दोबारा लगा देते हैं, लेकिन दे देखें ये नंबर छोटा है क्योंकि ये शॉर्ट वाला नंबर है हम जो ले रहे हैं। तो यहाँ से 225 वाला है, ये यहाँ पे वाला बाय वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे बाय वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, अपने जूम आउट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से दूसरे वाले नंबर को सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास एड्रेस हमारा शो होता है या नहीं, ये देखिए हमारा एड्रेस जो है वो शो हो गया है। बाय नंबर पे क्लिक करता हूँ तो जो नंबर है हमारा सक्सेसफुली बाय हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ बता रहा हूँ, स्किप ना करें, अभी व्हाट्सएप कोड का काम रहता है। मे भी मुझे हो सकता है 1 आवर का इशू आ जाए, अगर 1 आवर का इशू भी आ जाए तो आप दूसरा नंबर ले सकते हैं, आपको पहले ही बताया हुआ है। हम जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, एक मिनट की टाइमिंग चल गई, आप देखते हैं हमारे पास क्या होता है। मैसेज लॉग पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना।
मैसेज लॉग पे क्लिक करने के बाद हम आउट गोइंग है तो हमें इसको इनकमिंग वाले अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। तो हमारा जो व्हाट्सएप कोड है ये देखें रिसीव हो गया, कहीं भी इसे पे टच करें 257 592, ठीक है ना, जो कोड है हमारा रिसीव हो चुका है। तो देख लेते दोस्तों पूरा कोड। ये जो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको चेक भी करा सकता हूँ, ठीक है ना भाई, ये हमारा अकाउंट गया बन, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ से वेबसाइट में नंबर भी चेक कराते हैं, तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, तो एड्रेस भी देख लें। तो सारा प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर किसी भाई को मतलब अकाउंट क्रिएट करना है तो वो ट्राई कर सकते हैं 358 यानी 358 फिलहाल के नंबर पे देखें और प्लस 40 के नंबर पे मैंने बताया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर किसी का अकाउंट का सस्पेंड हो रहा है तो भाई उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मे बी अगर कुछ सोल्यूशन मिल गया तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन यही बात है आप ट्राई करें मे बी आप सक्सेसफुल हो। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।